सुप्रभात विद्यार्थियों, आज हम आपकी हिंदी की जो पुस्तक है उसका जो छठवां अध्याय है स्वस्थ तन सुखी जीवन, उसको पढ़ेंगे और समझेंगे। अब देखिए, स्वस्थ तन, जब हमारा शरीर है वो स्वस्थ रहेगा तभी तो हमारा जीवन है वो सुखी रहेगा। हम बीमार से रहेंगे तो लाचार बेबस रहेंगे, जो करना चाहेंगे वो नहीं कर पाएंगे, तो हर समय दुखी रहेंगे, बीमारी से भी दुखी और जो ना करना चाहेंगे उस कार्य से भी दुखी, तो इसलिए हमारा जीवन दुखी रहेगा। अगर हमारा शरीर है वो स्वस्थ रहेगा तो हमारा जीवन भी है वो सुखी रहेगा। देखिए, पढ़ते हैं इसको। शाम हो गई, क्या हो गई थी? शाम। दादाजी चौक में मुड्डे पर बैठकर बच्चों को पुकार रहे थे। ये देखिए, दादाजी, इसे कहते हैं मुड्डा, बैठने का जो आसन है इस पे बैठे हुए थे और जो बच्चे थे उनको पुकार यानी आवाज़ दे रहे थे, मगर बच्चे तो मोबाइल गेम पर डटे हुए थे, पर बच्चे हैं वो मोबाइल गेम पर डटे हुए थे। आखिर सुषमा ने उनके बीच जाकर कहा, अरे क्या मिल जाएगा तुम्हें इन खेलों से? दादाजी के साथ बैठो तो दो बात काम की सीखोगे, तोसी, बिट्टू, हनी, तीनों चलो बाहर। देखिए, जो सुषमा है, इन बच्चों की जो माँ है, वो इनसे कहती है कि दादाजी तुम्हें बुला रहे हैं और उनके पास बैठोगे तो कुछ काम की चीज़ें सीखोगे, सारे दिन भर ये मोबाइल। और वास्तव में आज के समय में ये जो मोबाइल जितना खतरनाक है उतना खतरनाक कुछ नहीं है बच्चों के लिए, जब वो उस पर सारे दिन भर गेम खेलते हैं। इसके फ़ायदे भी बहुत हैं तो नुकसान भी बहुत है, क्योंकि बच्चे हैं वो ऐसी चीज़ों के प्रति आकर्षित बहुत ज़्यादा होते हैं और जो इनके उनकी सेहत पे इसका बहुत बुरा असर होता है कि सारे दिन भर अगर उस पर गेम खेलते रहे तो वो आँखों के लिए और सेहत दोनों के लिए नुकसानदायक है। अब देखिए बच्चे क्या कहते हैं, हाँ मम्मी आप सही कह रही हैं। क्या? बिल्कुल सही कह रही हैं, दादाजी की हर बात पते की, हर बात पते की मतलब सही, वो बिल्कुल सही कहते हैं। कल भी तो कहानियों में कितनी अच्छी बातें समझाई थी, कल दादाजी जो कहानी कही थी उसमें उन्होंने बहुत अच्छी बातें हैं वो समझाई थी, तोसी ने कहा। और फिर उसके साथ तीनों बच्चे दादाजी के पास आकर बैठ गए और वो तीनों बच्चे दादाजी के पास चले गए। वे बैठे तो किराएदार के दोनों बच्चे खुशी और अन्नु भी पास आकर बैठ गए। देखिए, खुशी और अन्नु जो किसके बच्चे हैं, जो किराएदार के बच्चे हैं, वो भी दादाजी के पास आकर बैठ गए। उनके हाथ साफ़ नहीं थे, हाथ उनके गंदे थे, पाँव भी गंदे थे। उनको देखते ही दादाजी की बोहें ऐनक के फेरे से बाहर तक तन गई। बोहें ऐनक के फेरे से बाहर तक तन गई, इसका मतलब ये है कि ऐसे आंखें निकाल के वो उनकी तरफ देखने लगे। वे कहने लगे, बुरी बात है गंदगी, कि गंदगी है वो बुरी बात है, अच्छी बात है सफाई, अच्छी बात है सफाई, यानी जो सफाई साफ़ सफाई है वो अच्छी बात है, लेकिन गंदगी है वो बहुत बुरी बात है। गंदगी बीमारी लाती है, सफाई हमें बचाती है। गंदगी तो बीमारी लाती है और सफाई हमें बचाती है, और ये बिल्कुल सही है। आज हम जिस भयंकर महामारी से जूझ रहे हैं उसके लिए भी सफाई बहुत ज़रूरी है। कोरोना के लिए भी हमें यही हिदायत दी जाती है कि बार बार हमें साबुन से अपने हाथों को धोना है, गंदगी बिल्कुल नहीं रखनी है, क्योंकि वो भी स्पर्श से फैलता है, बच्चों ने खुशी और अन्नू की ओर देखा, उनकी तरफ देखा, तब तक वे पांव धोकर आ बैठे। वे पांव धो के आ गए, दादाजी ने शाबाशी दी, देखो उन्होंने उनको शाबाशी दी और बोले, साफ़ सफाई रखो भाई, कि साफ़ सफाई रखो। दादाजी खुश हो गए जब बच्चों ने उनकी बात मानी। हमारे जो दादा दादी, हमारे जो बड़े होते हैं, अगर हम उनका कहना मानते हैं वो बहुत खुश होते हैं, ये उनकी आदत होती है। वो हम पे नाराज़ नहीं होते, वो हमें ऐसे ही नहीं डांटते, वो हमें हमारी भलाई के लिए ही डांटते हैं। साफ़ स्वच्छ रहना और वातावरण को भी साफ़ सुथरा रखना जरूरी है, तंदुरुस्त यानी स्वस्थ हो तो सब कुछ अच्छा लगता है। हम एकदम स्वस्थ रहेंगे, तंदुरुस्त रहेंगे तो सब कुछ अच्छा लगता है, हंसने हंसाने का मन करता है। देखिए, शरीर सही रहेगा, कहते हैं पहला सुख निरोगी काया, शरीर अगर स्वस्थ रहेगा तो सब कुछ अच्छा रहेगा। रात को नींद अच्छी आती है और सुबह तरोताज़ा उठते हैं, एकदम ताजगी से उठते हैं, रात को नींद भी बहुत अच्छी आएगी। हर काम फटाफट करते हैं, आलस्य हमारे पास तक नहीं फटकता, आलस्य हमारे बिल्कुल पास नहीं आता। आलस्य कब आता है? जब व्यक्ति का शरीर क्या होता है, कमज़ोर होता है,
कुछ करने का उसका मन क्यों नहीं करेगा? क्योंकि उसका शरीर सही नहीं रहेगा तो मन भी नहीं करेगा, उसका मन भी नहीं करेगा। शरीर में फुर्ती ताजगी तभी रहेगी जब शरीर है वो स्वस्थ रहेगा। हाँ दादाजी, खाना भी अच्छा लगता है, बिट्टू बोला। और बिट्टू ने कहा, जब हम स्वस्थ रहते हैं तो हमें खाना भी अच्छा लगता है। बिल्कुल, बीमार होते हैं तो कहाँ मन करता है खाने का, मन नहीं करता खाने का। बिल्कुल सही कहा तुमने, भोजन पचता भी ठीक है और भूख भी अच्छी लगती है। भोजन वो अच्छे से पचता है और भूख है वो भी कैसी लगती है, अच्छी लगती है। मगर यदि हमारी तबीयत ठीक न हो तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता, कुछ भी अच्छा नहीं लगता, न भूख लगती है न नींद आती है, चिड़चिड़े हो जाते हैं। कोई बोलता है तो गुस्सा आता है, चिड़चिड़ापन का मतलब कोई बोलेगा तो हर कोई ना तो किसी काम में मन लगेगा और कोई बोलता है तो भी गुस्सा आता है। उदासी घेर लेती है और उबासियाँ आती रहती है। उदासी घेर लेती है और जो उबासी मुँह फाड़ के लेते हो ना तुम, वैसे उबासी है वो आती रहती है। दादाजी ने आगे कहा, काम की बात यह है कि हम सबसे पहले अपने शरीर को साफ रखें, कि सबसे पहले सबसे बड़ी बात शरीर को साफ रखें। तुम्हें मालूम है ना, काम करने और दौड़ भाग करने से हमारे शरीर से पसीना निकलता है। बिल्कुल, गर्मियों में पसीने बहुत आते हैं, पसीने में धूल के कण मिल जाने से मैल की परत जम जाती है और पसीने में जब धूल के कण मिल जाते हैं तो शरीर पे मैल की एक परत जम जाती है। इससे त्वचा के छिद्र बंद हो जाते हैं और त्वचा में जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं वो छिद्र क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। उफ दादाजी, छीछी, पसीना तो बदबू मारता है ना, हनी बोल पड़ा। कि हनी ने क्या कहा कि पसीना तो बदबू, और पसीने में तो बदबू आती है। हाँ बेटे, इसीलिए हम रोज़ाना नहाए, इसीलिए तो नहाते हैं रोज़ाना। हमें शरीर पर मैल नहीं जमने देना चाहिए, शरीर को गंदा नहीं रखना चाहिए। बहुत मुश्किल से मानव शरीर मिलता है और अगर शरीर ही गंदा रहेगा तो फिर तो हम कुछ कर भी नहीं पाएंगे, क्योंकि बीमार पड़ जाएंगे। बीमार पड़ जाएंगे तो क्या करेंगे? मैल जम जाए तो मोटे कपड़े से रगड़ रगड़ कर उतारना चाहिए। और हाँ, सुबह उठने और शाम को सोने से पहले दांत साफ करना चाहिए। देखिए, सबसे बड़ी बात है दांतों को साफ करना, क्योंकि मुंह से हम खाना खाते हैं और उस खाने को चबाते कौन है? दांत। और अगर हमने दांतों को साफ नहीं करा, मुंह गंदा रहा तो गंदगी है वो पेट तक जाएगी, पेट तक जाएगी तो शरीर को भी नुकसान पहुंचाएगी, मुंह में बदबू आएगी और मुंह में बदबू आएगी तो कोई पास बैठेगा भी नहीं। हफ्ते में 2 बार नाखून काटे और नाखून भी काटे चाहिए, क्योंकि नाखूनों में भी गंदगी फंस जाती है तो वो भी हमारे लिए, शरीर के लिए क्या, विभिन्न रोगों के लिए का कारण बन जाती है। शौच के बाद साबुन से हाथ जरूर धोए, और शौच जाने के बाद साबुन से हाथ वो जरूर धोए। तो यहाँ तक आपको पढ़ना है, समझना है इसको, और बाकी का अगली कक्षा में। धन्यवाद।